जहाँ नहीं राम को नाम। राम नाम लेते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू त दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। उस भी हड़ी बनी में गिद्धराज जब राम ही राम पुकारत है, उन कटे हुए पंखों से निज प्राणों की ओर निहारत है। राम नाम की वाणी जब पहुंची रघुवर जी के कानों में, जाकर पूछा बता किसने पीड़ा दी है तेरे प्राणों में। जब गिद्धराज जटायु जी का रावण से आमना सामना हुआ, जब रावण माता जानकी को हर कर ले जा रहा था, तो रावण ने गिद्धराज जटायु जी के पंख काट दिए। राम नाम मंत्र आराधन करता हुआ गिद्धराज जब राम ही राम पुकार रहा था, इधर से प्रभु श्री राम माता जानकी को ढूंढते ढूंढते जब जटायु जी के पास आए, तो आकर पूछा, हे गिद्धराज जटायु, आपके प्राणों में किसने पीड़ा दी? तो गिद्धराज जटायु जी कहने लगे प्रभु श्री राम से, हे नाथ, हे प्रभु जी, भनक पड़ी मेरे कान उड़ता देखा एक विमान। प्रभु जी भनक पड़ी मेरे कान उड़ता देखा एक विमान उड़ता देखा एक विमान। और उस विमान में प्रभु मैंने ली माता पहचान रोती, पिया ही प्यारे मैंने जाती, गगन में निहारी सियारे मैंने जाती, गगन में गगनों में निहारी सिया मैंने जाती, गगनों में निहारी सिया।
हे नाथ मेरे भनक पड़ी कान, मैंने देखा एक विमान, मैंने ली माता पहचान, रोती पिया ही पिया, मैंने जाती गगन में निहारी सिया। कहने लगे गिद्रा जटायो, बैठा था मैं उस वक्त यहां, हे नाथ बैठा था मैं उस वक्त यहां, आवाज आई कान पर, सुनते ही प्रभु झट चल दिया और पहुंच गया उस यान पर। रोका उसे दे डाटो मैंने, रोका उसे दे डाटो मैंने, वो हंसने लगा अभिमान कर, युद्ध फिर मुझसे किया उसने प्रभु ले कृपाण कर। हे नाथ उसने अपने हाथ में तलवार लेकर मुझसे युद्ध किया, और क्या मैंने किनी कठिन लड़ाई, मेरे मौत शीश पे आई, मेरे मौत शीश पे आई रे, मेरे मौत शीश पे आई, मैंने किनी कठिन लड़ाई, मेरे मौत शीश पर आई, मेरे मौत शीश पर आई, मैंने सुमिरे श्री रघुराई उसको मूर्छित किया रे, माता को लाया मैं छुड़ा, आसन गुफा में दे दिया, कर कर तुम्हारी याद प्रभो विलाप है उसने किया। जब मैं माता को छुड़ा कर लाया और मैंने गुफा में आसन दिया, तो प्रभु आपकी याद कर करके माता बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी, आन न मानी देवर की, मैंने वो फल अब पा लिया, करो क्षमा मुझको प्रभु अपराध जो मैंने किया। प्रभु बार बार अपनी क्षमा याचना मांग रही थी जो अपराध माता ने किया, और कह रही थी, अरे प्रभु ढूंढन क्यों नहीं आओ, आकर जल्दी मुझे छुड़ाओ, आकर जल्दी मुझे छुड़ाओ, आकर जल्दी मुझे छुड़ाओ, प्रभु जी ढूंढन क्यों नहीं आओ, आकर जल्दी मुझे छुड़ाओ, आकर जल्दी मुझे छुड़ाओ, आकर जल्दी मुझे छुड़ाओ, ओ मत मुझे मछली समझ पिया ही पिया रे, मैंने जाती
में निहारी सियारे मैंने जाती। तभी प्रभु क्या हुआ, मूर्छा जगत दुष्ट की तो नजर ना आई सिया। उत्साह में भर कर प्रभु युद्ध फिर मुझसे किया। उसने उत्साह में भरकर हे नाथ मुझसे युद्ध किया और क्या किया, काट दिए प्रभु पंख मेरे। हे नाथ काट दिए प्रभु पंख मेरे, बाण दे घायल किया। क्रोध में भर कर प्रभु अब वार है मुझ पर किया। हे नाथ उस पापी दुष्ट ने मेरे पर काट दिए, अब उड़ा न मुझसे जाता। मैं दर्शन को पड़ा विधाता, मैं दर्शन को पड़ा विधाता, मैं दर्शन को पड़ा विधाता। ए, उड़ा न मुझसे जाता। मैं दर्शन को पड़ा विधाता, मैं दर्शन को पड़ा विधाता, मैं दर्शन को पड़ा विधाता। ओ प्रभु जी छीन ले गया माता मुझसे, छीन ले आलू मेरा ये किया रे मैंने जाती। गगन में निहारी सिया मैंने जाती, गगन में निहारी सिया मैंने जाती, गगन में निहारी सिया। हे प्रभु जी भटक पड़ी मेरे कान उड़ता देखा, मैंने जाती गगन में निहारी सिया मैंने। वो दुष्ट फिर लेकर गया दक्षिण दिशा की ओर को। हे नाथ मुझसे माथा को छीन कर वो पापी दुष्ट दक्षिण दिशा की ओर ले गया। लेकिन आप चिंता ना कीजिए प्रभु, क्यों 10 शीश थे भुज 20 थे पहचान ली ना चोर को। उस चोर को नाथ मैंने पहचान लिया। वो रुदन करती जा रही देखती मम चोर को। ये पापी कान सुनते रहे माता के भारी शोर को। हे नाथ ये मेरे पापी कान माता के शोर को सुनते रहे लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। प्रभु अब उड़ाना मुझसे जाता, मैं अब प्राण त्यागना चाहता, मैं अब प्राण धाम मुक्ति का दिया रे मैंने जाती। गगन में निहारी सिया रे मैंने जाती, गगन में निहारी सिया मैंने जाती, गगन में निहारी सिया। हे प्रभु जी भटक पड़ी मेरे कान उड़ता देखा माता पहचान
निहारी सियारे मैंने जाती गगन में।